इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू के डीआईवाई सेक्शन में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है डीआईवाई प्रोजेक्ट जीपीएस स्पीडोमीटर फॉर कार्स एंड बाइसिकल्स का, जो कि electronicsforyou.com पर पब्लिश हो चुका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आप भी ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, जो आपको electronicsforyou.com के एक ब्लॉग पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की सहायता से आप 1854 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा है साइज में, क्योंकि इसको इंडस पोर्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें कि ऑलरेडी एक 3D एक्सेलेरोमीटर और कंपास सेंसर इनबिल्ट होता है, और जो हमारा इंडस पोर्ट का फॉर्म फैक्टर है वो 3 सेंटीमीटर का है। ये मेजर कर सकता है कि कितनी तेज आपका बाइसिकल चल रहा है, या कितनी तेज दौड़ रहा है, या रोबोट या ड्रोन की मूविंग को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुआ है, वो है इंडस पोर्ट, जिसपे की कोड रन करेगा, एक GC9A01A राउंड LCD डिस्प्ले, जिसपे कि आप स्पीड को या अन्य इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, एक L86 GPS मॉड्यूल रियल टाइम लोकेशन को जानने के लिए, इसके अलावा एक ब्रेडबोर्ड और कुछ कनेक्टिंग वायर्स का इस्तेमाल हुआ है। कनेक्शंस के लिए हम सर्किट डायग्राम को फॉलो करेंगे, जो कि आपको प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और प्रोजेक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले हम इंडस बोर्ड को राउंड LCD से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें कनेक्टर को इंडस बोर्ड से सोल्डर करना पड़ेगा। इसके बाद इस कनेक्टर को हम LCD में फिट कर देंगे। एक बार ये LCD कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप में GSM मॉड्यूल को बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए GSM मॉड्यूल को हम इंडस बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा हमें एक बैटरी ऐड करनी पड़ेगी अपने सर्किट में, और अब हमारा सर्किट कम्प्लीट हो चुका है। फिर हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपना SSID और पासवर्ड अपने इंटरनेट का डालना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने इंडस पोर्ट को एक एक्सेस पॉइंट बना सकें। लूप फंक्शन के अंदर आपको GPS मॉड्यूल की अवेलेबिलिटी को चेक करना होगा। अगर GPS मॉड्यूल अवेलेबल है तो हम उसे रीड करेंगे मॉड्यूल से, और फिर हम लोकेशन को प्रिंट कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे कि लोकेशन नॉट फाउंड। उसके बाद स्पीड को रीड करेंगे मॉड्यूल से और प्रिंट कर देंगे, एक वेब पेज को होस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम स्पीड और डिस्टेंस ये सब अपने मोबाइल फोन पे भी देख पाएंगे। इस तरीके से हमने डिवाइस को क्रिएट करा हुआ है। अब हम अपने हाथ में डिवाइस को लेकर के अपने हाथ को तेजी से मूव करें, तो आप देख सकते हैं LCD की स्पीड भी चेंज हो रही है। अब हमने इस डिवाइस को एक साइकिल से कनेक्ट करा है, और हम देख सकते हैं कि वो साइकिल जैसे मूव करी तो स्पीड उस पर चेंज होगी। हमने एक IoT कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी है अपने इस प्रोजेक्ट में, इसीलिए हम ये स्पीड और डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं, जो कि हमारे इंडस पोर्ट से वाया हॉटस्पॉट कनेक्टेड है। कि आप अपना खुद का एक GPS स्पीडोमीटर बनाना चाहेंगे तो क्लिक करें लिंक पे, जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ जाकर आप पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कंप्लीट सर्किट डायग्राम के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन में। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे DIY प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए थैंक यू।